वो पत्रकार है मनीष कर शिवा, किसी को हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराता है, किसी को बेटी बच्चा के शादी कराता है, ठीक है ना। वैसे व्यक्ति का 2024 वाला इलेक्शन कर बंद करके ठोक के रख दिया, जब इकन जाएगा ना तो उसको ठोक के रख दिया। मनीष हमारा भाई है भैया, और वो समझ लीजिए तेलंगाना महाराष्ट्र घूमते रहता है, और आप रोड पे कहीं भी उसका भाव वीडियो दिखिएगा ना, वो ऐसा नहीं है, कभी वो गलत नहीं बोला, वो तमिलनाडु में कोई गलत नहीं बोला। सुनो, गलत कैसे नहीं बोला, 180 दिन में सरकार के गिराने का बात मतलब क्या बात है? चिराग कौन? चिराग पासवान कौन? चिराग पासवान चिराग कौन? चिराग नहीं तो मनीष कश्यप है। तेजस्वी घोटाला किया है, कई घोटालों में उनका नाम है भैया। कहाँ घोटाला में नाम है? अरे भैया फिर वही मुद्दा नहीं बचा हुआ तो घोटाला, जब से घोटाला नहीं बोला था, घोटाला नहीं चल रहा था, मोदी जी के राज में कहाँ थे आप? कहाँ थे आप? नीतीश कुमार घोटाला में फंसा है, सम्राट चौधरी जी जी, चिराग पासवान जी, और मनीष कश्यप का भी नाम चल रहा है। मनीष कश्यप के नाम सम्राट चौधरी है, जो आपका पूरा भविष्य चेंज कर सकता है बिहार का। सम्राट चौधरी, हाँ सम्राट चौधरी बोला है नाम चेंज करना है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नाम चेंज करने से होगा क्या, हमारे बाप दादा का नाम नहीं रहेगा तो किसका बाप दादा का नाम रहेगा? बिहार शरीफ जो नाम है वो गलत है, वो चेंज करने के लिए बोले हैं। चिराग पासवान आज के युवा में अच्छे क्वालिटी, अच्छे मैंने दिमाग बिहारी। चिराग पासवान की वजह से नीतीश कुमार का सीट कम आया। हाँ सभी लोग बिहार के हैं और क्या, और बिहार के हैं, अब भी बिहार के हैं, बिहार के हैं। चलिए मेरा अगला सवाल है कि बिहार का सबसे अच्छा युवा नेता कौन? चिराग पासवान, तेजस्वी यादव। ऑप्शन तो सुन लीजिए, ऑप्शन सुन लीजिए, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार, सम्राट चौधरी, कौन है? ना, चिराग ठीक है, एकदम ऑलरेडी ठीक कर रहे हैं आप लोग। चिराग चौधरी भी है भैया, सम्राट चौधरी भी है। अरे सम्राट ही चौधरी है, जो आपका पूरा भविष्य चेंज कर सकता है बिहार का। सम्राट चौधरी, हाँ एकदम कह रहे हैं कि सबसे पहले देखिये बिहार है ना, बिहार शरीफ नाम सुने, मनी बाबा का अखाड़ा है, वहाँ का संवाद को आप जाकर रिकॉर्ड करो, संवाद से पता चलेगा। और सम्राट चौधरी बोला है नाम चेंज करना है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नाम चेंज करने से होगा क्या, हमारे बाप दादा का नाम नहीं रहेगा तो किसका बाप दादा का नाम रहेगा? बिहार शरीफ जो नाम है वो गलत है, वो चेंज करने के लिए बोले हैं। कौन है सबसे अच्छा युवा नेता? सम्राट है, सम्राट बोलिए। हमारे पास तीनों युवा नेता है, कौन कौन? सम्राट चौधरी जी जी, चिराग पासवान जी, और मनीष कश्यप का भी नाम चल रहा है। मनीष कश्यप के नाम बिहार के तीन हीरा, तीन को बना दीजिए, तीन पासवान है, किसी को इलाज कराता है, नहीं वो पत्रकार है मनीष कश्यप, किसी को हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराता है, किसी को बेटी बच्चा के शादी कराता है, ठीक है ना। वैसे व्यक्ति का 2024 वाला इलेक्शन के लेकर बंद करके ठोक के रख दिया, जब इकन जाएगा ना तो उसको ठोक के रख दिया। कुछ भी किया ना ये सरकार है ना, किसके साथ अन्याय हुआ है? मनीष कश्यप, मनीष हमारा भाई है भैया, और वो समझ लीजिए तेलंगाना महाराष्ट्र घूमते रहता है, और आप रोड पे कहीं भी उसका भाव वीडियो दिखिएगा ना, वो ऐसा नहीं है, कभी वो गलत नहीं बोला, वो तमिलनाडु में कोई गलत नहीं बोला। सुनो, गलत कैसे नहीं बोला, 180 दिन में सरकार के गिराने का बात मतलब क्या बात है? गिरा देंगे, अरे अरे गिरा देंगे, ओए गिरा। सुन लीजिए बातों को, सुन लीजिए भैया, एक करके कोई हल्ला नहीं करेगा। देखिए लालू भैया, नीतीश भैया, ओकर बाल बच्चा, एकर बाल बच्चा, ओकर बाल बच्चा, राज छोड़िए, और रह गया मनीष कश्यप का। क्या जी बोला था? क्या जी? मनीष कश्यप 180 दिन में सरकार गिराने वाली है, एकदम गिराएंगे। 180 दिन बोल रहे ना, 100 दिन तो पार कर गया, अगर 100 दिन अभी रहता ना तो हम 85 दिन में कह रहे हैं कि अगर चुनाव रहता ना तो गिरा देते साहब, बिहार का जनता है। मनीष कश्यप कैसे गिरा देंगे? अगर आके आपको भीड़ को अगर कहे कि बोल ऐसे ऐसे करे ना, तो डरना नहीं है, जो सही है वो सत्य बोलना, सत्य के साथ रहिए, झूठ के साथ मत। सत्य के साथ रहने के लिए बोलता था, तो कोई सत्य नहीं है धरती पे, बिना सत्य के कैसे चल रहा है धरती पे? सुनना दलाल, आप अपने बोले सत्य नहीं, पहले तो मैं, अरे सुनो ना मनीष, आप बोले आप सत्य की नहीं, भाई है मेरा मनीष, पहले तो मनीष भाई है कि नहीं, आप मेरा भाई, क्या बात करते हैं, थैंक्स बोलिए। हाँ जी, अरे बात चले, बिहार का सबसे अच्छा युवा नेता कौन? क्या चिराग पासवान? आपके चिराग पासवान नहीं चलेगा, वो कौन है? और कौन बनेगा?
आप बताइए ना चिराग पसंद का अलावा आपके नजर में कौन एसवी यादव है? हाँ है भाई, मान लेते हैं, मान लेते हैं। कौन चिराग पसंद? चिराग पसंद कौन? चिराग पसंद चिराग चिराग पसंद चिराग नहीं तो मनीष कश्यप, चिराग नहीं तो मनीष कश्यप, चिराग नहीं तो मनीष कश्यप। कौन भैया? अगर किसको लाने होगा ना तो नीतीश कुमार को बोल दीजिएगा समोतिहारी पूर्वी चंपारण में। माइक बंद करिए भैया, आप लोग अलग अलग के पास जनमत नहीं। एक आप खड़े रहिए, हम आएंगे, आप खड़े रहिए। जरा चिराग जी के पास जनमत नहीं रहता तो नीतीश कुमार को 40 सीट पर नहीं समझता। चिराग पासवान आज के युवा में अच्छे क्वालिटी, अच्छे मने दिमाग बिहारी। मतलब चिराग पासवान की वजह से नीतीश कुमार का सीट कम आया? हाँ। बिहार की जनता चिराग को एक्सेप्ट करेगी क्या? एकदम करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि पढ़े लिखे हैं। उनका बाप तेजस्वी भी पढ़े लिखे, उनका बाप शुरू से मंत्री रहे हैं, आज तक कोई घोटाला में नहीं फंसे है। वही उनका अंश बेटा है, ये भी कोई गलत काम नहीं कर। हमेशा तो सरकार के साथ ही रहे हैं। अरे सरकार के साथ कहाँ मने कर तेजस्वी घोटाला किया है? कई घोटालों में उनका नाम है भैया। कहाँ घोटाला में नाम है? अरे भैया फिर वही मुद्दा नहीं बचा हुआ तो घोटाला, जब से घोटाला नहीं बोला था, घोटाला नहीं चल रहा था। मोदी जी के राज में कहाँ थे आप? कहाँ थे आप? वही नीतीश कुमार घोटाला में फंसाए, सबको किन के पीछे भी रखा है ना, सबको किन के रखा? किसको किसको? सीबीआई को, सब रेड मारने वाले। कौन कौन? नाम बताइए। अरे नाम क्या खुलिया नहीं होगा। जो जातिवाद बांटते हैं, जो सबका साथ और सबका विकास का बात करेंगे वही कौन है? सबका साथ सबका साथ जनता खुद चुन कर ले। आप बताइए ना। हम देखिए, हम बता रहे हैं नाम खोलना उचित नहीं है, इसलिए जो सबका साथ सबका जो